मैं दीप्तन, आप सभी देख रहे हो आप ही के चैनल दीप्तनुशील को। दोस्तों कल भी मैंने एक हेल्थ चेकअप किया था इसी ग्रुप के ऊपर, मगर मुझे समझाने में थोड़ा बहुत चूक हो गया है, जो कि आज के हेल्थ चेकअप के थ्रू मैं आप लोगों को क्लियरिफाई देने वाला हूं, तो वीडियो पे एंड तक जरूर बने रहना। दोस्तों कल मैंने इस ग्रुप का हेल्थ चेकअप किया था और आप लोग देख सकते हो इस ग्रुप में बहुत अच्छा मेंबर्स जुड़े हुए हैं, 8 लाख से भी ज़्यादा मेंबर वाला ग्रुप है। और इस ग्रुप को इस पेज के ऑनर ने मोनेटाइज किया था, मगर मोनेटाइज करने के बाद इस पेज का अप्रूवल जो है मोनेटाइज का वो नहीं हुआ और उसके ऊपर एक वायोलेशन आ गया है इस ग्रुप में, मोनेटाइजेशन पॉलिसी वायोलेशन इन ग्रुप। और बहुत सारे क्रिएटर के साथ आज के डेट पे यही इशू आ रहा है फेसबुक ग्रुप मोनेटाइजेशन को लेके। दोस्तों आप लोग जब भी आपके ग्रुप को मोनेटाइज कर लेते हो तो तुरंत आपको ब्रांड कोलाब मैनेजर वाला जो ऑप्शन रहता है इस पर क्लिक करना है, इसी पे सब कुछ रहता है। जैसे ही क्लिक करोगे आप रीडायरेक्ट होके यहाँ पे आ जाओगे और उसके बाद यहाँ पे सारे ऑप्शन रहते हैं, जिसपे से एक ऑप्शन है पॉलिसी इशू। दोस्तों ये पॉलिसी इशू रहने के वजह से ये ग्रुप जो है मोनेटाइज होते हुए भी मोनेटाइज नहीं है, मोनेटाइजेशन एट रिस्क है और इसका वजह है मोनेटाइजेशन पॉलिसी वायोलेशन। और जब मैं यहाँ पे पढ़ के देखा तो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लैग्ड बिहेवियर के वजह से कंटेंट पे, कंटेंट जो है वो पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी या फिर कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी के अगेंस्ट जाने के वजह से इस ग्रुप को फेसबुक मोनेटाइज नहीं कर रहा है ब्रांड कोलाब मैनेजर टूल से। अब यहाँ पे बात आता है ये फ्लैग्ड बिहेवियर क्या है, कंटेंट गोज अगेंस्ट पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी एंड कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी क्या है। पॉलिसी सेम है दोस्तों, जो पेज के लिए पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी है कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी है वही ग्रुप के लिए भी है, मगर यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा 2-3 चीज़ें जो कि आप लोग लास्ट वीडियो से नहीं समझे हो। लास्ट वीडियो पे भी मैं समझाने की कोशिश किया कि ग्रुप एडमिन जो है, जो भी इस ग्रुप का ओनर है, ग्रुप एडमिन है, मॉडरेटर है, वो लोग कोई भी मिस्टेक इस ग्रुप पे नहीं कर सकते हैं। वो लोग एज ए एडमिन ऐसा कोई भी कंटेंट इस ग्रुप पे नहीं डाल सकते जो कि फ्लैग्ड बिहेवियर हो या फिर फेसबुक पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी जो होते हैं उसके उल्लंघन करके हो। अब इस ग्रुप के केस पे यहाँ पे जो मिस्टेक हुआ है वो समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आ गया है कि सर ग्रुप में तो बहुत सारे मेंबर होते हैं और बहुत सारे मेंबर बहुत सारे तरह तरह का पोस्ट ग्रुप पे करते रहते हैं, अगर हम लोग सारे पोस्ट डिलीट कर दें, उन लोगों के कंटेंट रीयूज होते हैं, रीपर्पस होते हैं, लिमिटेड ओरिजिनलिटी होते हैं, तो वो कंटेंट अगर हम लोग डिलीट कर दें तो फिर हमारे पास कंटेंट कहाँ से आएगा, तो फिर हमारे मेंबर कैसे हमसे बने रहेगा। तो यहाँ पे क्या मेंबर जो कंटेंट डाल रहे हैं वो भी हमें डिलीट करना है ग्रुप से, तभी जाके ग्रुप जो है मोनेटाइज होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को समझना है एज ए ग्रुप एडमिन, एज ए ग्रुप मॉडरेटर, आप लोग जो भी कंटेंट पेज पे डालते हो, मतलब आपके ग्रुप पे डालते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो ये ग्रुप का एडमिन जो एज ए एडमिन यहाँ पे पोस्ट किया है, वो पोस्ट जो है फेसबुक पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी और कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी को मान के होना चाहिए, ये फेसबुक का कहना है। मेंबर लोगों का जो भी पोस्ट है वो रीयूज्ड रीपर्पस हो तो उससे आपको कोई इशू नहीं होगा ग्रुप में। मेंबर अगर गलत पोस्ट डालेगा आप अप्रूव करोगे तो हो सकता है आपके ग्रुप को इशू हो। तो यहाँ पे आप एज ए जो एडमिन ग्रुप का या फिर मॉडरेटर ग्रुप का ओरिजिनल कंटेंट डालना पड़ेगा, वैल्यू एडेड कंटेंट डालना पड़ेगा, जैसे आप लोगों को पेज पे डालना होता है। आप लोग वेबसाइट से उठा के कोई भी कंटेंट को ग्रुप पे मत पोस्ट करो। अगर ऐसा ग्रुप होगा तो आगे चल के जो अभी इस ग्रुप पे इशू आया है वही इशू आप लोगों के ग्रुप में भी चला आएगा। तो ग्रुप यानी कि एक कम्युनिटी बिल्डअप होता है, कम्युनिटी पे डिस्कशन चलता है और डिस्कशन जो है वो 100% ओरिजिनल होना जरूरी है। यहाँ पे दोस्तों एक बात और भी कहा गया है फ्लैग बिहेवियर के बारे में, ये जो फ्लैग बिहेवियर आप लोग देख रहे हो इसके बारे में, और मैंने जब पार्टनर मोनेटाइजेशन चेक किया तो मुझे इस ग्रुप पे जो फ्लैग बिहेवियर लगा है वो है एंगेजमेंट बेट वाला। इस ग्रुप पे काफी सारे पोस्ट ऐसा है जहां पे ए बी ऑप्शन डाला गया है और कहा गया है वोट करने के लिए, ये दरअसल एंगेजमेंट बेट होता है और इससे भी फ्लैग बिहेवियर जेनरेट होता है। तो ऐसा कंटेंट भी आपके ग्रुप पे रहेगा वो भले आपके मेंबर डाले, आप अप्रूव कर रहे हो या फिर एज ए एडमिन आप डाल रहे हो, पॉलिसी इशू आएगा ही आएगा।
दोस्तों यहाँ पे अभी आप लोगों का सबसे बड़ा डाउट जो है वो क्लियर करने वाला हूं, क्या मेंबर कोई भी वायोलेशन करेगा, अगर मेंबर गलत कंटेंट डालेगा और पब्लिक ग्रुप है पोस्ट हो जाता है उसके बाद हमने डिलीट करने में लेट कर दिया या फिर डिलीट नहीं किया तो उस केस पे क्या ग्रुप पे वायोलेशन आता है? तो इस केस पे ग्रुप पे बिल्कुल भी वायोलेशन नहीं आता है, और ये सिर्फ मेरा कहना नहीं है, फेसबुक का कहना है, और वो कहना भी आप लोगों को अभी प्रैक्टिकली दिखाऊंगा ग्रुप क्वालिटी पे जाके। तो दोस्तों ग्रुप क्वालिटी पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फेसबुक का अपडेट यहाँ पे लिखा हुआ है, रीड मोर पे क्लिक करके मैं दिखाता हूँ मेंबर वायोलेशन, मतलब आपके ग्रुप पे आके अगर कोई भी मेंबर वायोलेशन करता है तो इसका पेनल्टी क्या आपको एज ए ग्रुप ओनर मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस वायोलेशन डज नॉट पुट योर ग्रुप एट रिस्क, मतलब मेंबर अगर कोई भी वायोलेशन आपके ग्रुप पे आके करेगा तो उसका वायोलेशन का जिम्मेदारी आपके ग्रुप को नहीं होगा, आपको ग्रुप को कोई पेनल्टी नहीं मिलेगा। ये एक गुड न्यूज है हर एक ग्रुप क्रिएटर के लिए, मगर फेसबुक आपको जरूर इत्तला कर देगा, आपको बता देगा कि ग्रुप पे इस मेंबर ने ये वायोलेशन किया है और फेसबुक ने इस वायोलेशन के वजह से इस कंटेंट को आपके ग्रुप से हटा दिया है। तब आप लोग जाके उस पर्टिकुलर डिसीशन को नीचे जाके चेक कर सकते हो डिटेल पे, अगर आपको लगता है हाँ ये मेंबर आगे चल के भी कुछ ना कुछ इशू कर सकता है तो आप लोग एक्शन ले सकते हो, उस मेंबर को उस ग्रुप से बाहर भी निकाल सकते हो, उस मेंबर को मैसेज भी कर सकते हो कि इन फ्यूचर आप लोग ऐसा मिस्टेक मत करो, इसीलिए आपको नोटिफिकेशन शो होगा। मगर आप अगर एज ए ग्रुप एडमिन, ग्रुप मॉडरेटर या फिर ग्रुप ओनर कोई भी वायोलेशन करोगे आपके ग्रुप पे, जैसे कि एंगेजमेंट बेट हो गया, लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट हो गया, रीयूज रीपर्पस कंटेंट हो गया, तो ऐसा वायोलेशन आएगा, और इस ग्रुप के साथ भी कुछ ऐसा ही इशू हुआ है, इसी वजह से ये जो अभी पॉलिसी वायोलेशन दिखा हुआ आपको लग रहा है, देखने के लिए मिल रहा है। तो दोस्तों इस पेज के ऑनर को भी यही पॉलिसी वायोलेशन को अभी सॉर्ट आउट करना है, जाके सारे कंटेंट को रिव्यू करना है, रीचेक करना है, खुद के जो एज ए एडमिन या फिर मॉडरेटर डाला है, और एज ए मॉडरेटर एज ए एडमिन आपको कोई मिस्टेक नहीं करना है, कोई भी पार्टनर मॉडरेशन पॉलिसी का उल्लंघन नहीं करना है, कॉन्टेंट मॉडरेशन पॉलिसी का उल्लंघन नहीं करना है। और कंटेंट मॉडरेशन पॉलिसी, पार्टनर मॉडरेशन पॉलिसी क्या होता है, इन डिटेल मेरे चैनल पे डिफरेंट प्लेलिस्ट बना के रखा हूँ जहाँ पे ये सब समझा के रखा हूँ। पेज के लिए और ग्रुप के लिए दोनों के लिए ही ये पॉलिसी लागू होता है और सेम टू सेम है। होप गाइस आज के इस अहल चेकअप से आप लोगों को पूरा चीज सटीक वे में मैंने समझा दिया। अगर आपको भी ये इशू आता है तो आपको जो भी मैंने वीडियो पे बोला वही प्रोसेस फॉलो करना है, तभी जाके ये जो इशू है परमानेंटली हटेगा। जब ये हटेगा तभी ग्रुप जो है एलिजिबल होगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ फ्लैग या फिर पार्टनर कंटेंट मॉडरेशन पॉलिसी मैंने जो बताया है उसी वजह से इस पेज पे अभी इशू आया है। हो सकता है मैंने जो चीज़ कवर नहीं किया, जो चीज़ पार्टनर मॉडरेशन पॉलिसी और कंटेंट मॉडरेशन पॉलिसी के अंदर आता है उसके और रीज़न के वजह से भी हो सकता है इस ग्रुप पे इशू है। तो एक एक करके इस ग्रुप के ओनर को चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है, पार्टनर मॉडरेशन पॉलिसी और कंटेंट मॉडरेशन पॉलिसी को सीख के उसके बाद ओरिजिनल कंटेंट जैसे जैसे ग्रुप पे डाला जाएगा और ग्रुप पे एक ऑथेंटिक एंगेजमेंट रहेगा तब जाके ये पॉलिसी इशू हटेगा, तब जाके ग्रुप फिर से मोनेटाइज होगा। अगर 40 दिन के बाद भी ये इशू नहीं हटता है उस केस पे रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट करना है और फिर रिक्वेस्ट रिव्यू करना है। मगर रिक्वेस्ट रिव्यू तभी करना जब आपको लगे 100% आपका ग्रुप जो है जेन्युइन है, हर एक पार्टनर मॉडरेशन पॉलिसी कंटेंट मॉडरेशन पॉलिसी को मान के है। बिना जाने बिना समझे अगर आप लोग रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, फेसबुक का बॉट आके आपके ग्रुप को ठीक करके नहीं देगा। एज ए ओनर एज ए एडमिन आपको ठीक करना है आपके ग्रुप को, ये सारे चीज़ों के ऊपर ध्यान रख के अगर आप काम करोगे तो ही आगे चल के आपका जो ग्रुप है वो ब्रांड कोलाब टूल से मोनेटाइज होगा और आप लोग ब्रांड डील के द्वारा ग्रुप से ढेर सारा पैसा कमा पाओगे। अगर आज का हेल्थ चेकअप से आप लोगों को कुछ वैल्यू एडिशन मिला है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी भूलना। अगर कोई भी दोस्त मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को दबा लेना ताकि ऐसे वीडियो आने वाले टाइम पर सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आज के इस वीडियो पर इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो, और मम्मी पापा का नाम करो दोस्तों, बाय।